स्निभ्यः श्रीमुपुरुङ्गुं वीरं स्याद्वामोग्लाञ्छनं धियात्रैलोकिनाथस्य साशिनं जिनसाशिनं साशिनं जिनसाशिनं साशिनं जिनसाशिनं डुमुरिं डुमु सिद्धाडुम सुविसाहुडुम अनंत अनंत परम सिद्ध भवानी की एक जड़गवान आदिनाथ स्वामी की एक जड़गवान महावीर स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान समंत्र भद्र स्वामी की परम पूज आचार्य रविराग सागर मुनि महाराज की अहिंसा मय विश्व धर्म की आचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की आचार्य संघ की जय जय गुरुदेव। तो जयवंत हो भवंत हो अंतिम तीर्थ वर्धमान स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र के पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनीष्यो जगत कल्याणी है। यह सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो हो जयवंतो वीतरा श्रवण संस्कृति भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर सर्वज्ञ जिनेश्वर देव ने वस्तु तत्व को प्राणामिक दृष्टि से प्रतिक्षण प्रतिपल यथा तत्त्वम जैसा वैसा देखा है और जाना है। न्याय शास्त्र की आवश्यकता भगवान की सिद्धि के लिए नहीं है, न्याय दर्शन की आवश्यकता सर्वज्ञ की सिद्धि के लिए नहीं है। न्याय दर्शन से सर्वज्ञ की सिद्धि नहीं होती है, सर्वज्ञ की सिद्धि कर्म शून्यता से होती है। सर्वज्ञ की सिद्धि न्याय दर्शन से नहीं होती है, सर्वज्ञ की सिद्धि भेद विज्ञान से होती है। भेद विज्ञान के बिना सर्वज्ञ की सिद्धि असंभव है। लेकिन जो असर्वज्ञ है, सर्वज्ञ ज्ञान शून्य है, सर्वज्ञ श्रद्धा शून्य है, ऐसे असर्वज्ञ श्रद्धानियों को सर्वज्ञ शब्दों में सिद्धि की जा रही है, न्याय से सिद्धि कर रहे हैं। दर्शन जो है न्याय दर्शन से सर्वज्ञ सिद्धि नहीं होगी, सम्यक दर्शन से सर्वज्ञ सिद्धि होगी। पर सम्यक दर्शन है क्या? सर्वज्ञ का दर्शन जिसके भीतर नहीं है उसके पास सम्यक दर्शन नहीं है। सर्वज्ञ संस्कृति जो आशीष का आलेख था एक नव युवा विद्वान और इस प्रकार से तत्पर विचार करता है। अब आशीष शब्द रूप में आपने कथन किया कि ज्ञान रूप में आपने कथन किया कि अर्थ रूप में कथन किया। छौसम आपके पास है इसलिए आपने व्याख्यान किया, बुद्धि आपके पास इसलिए आपने व्याख्यान किया, वस्तु ग्रहण करने की सामर्थ्य इसलिए आपने व्याख्यान किया
कि सर्वज्ञ के प्रति आपकी तीव्र आस्था, इसलिए आपने कथन किया। वीर सेन भैया, वीर सागर जी, मित्र विश्वास मानना, जितनी चाहे वीर सागर जी हों, श्रेयांश जी हों, आज तो तीनों के तीनों आलेख अभूतपूर्व थे, लेकिन कोई बालक नमोकार मन सुनाता है तो कुंडलपुर में एक मंदिर में, दमोह कुंडलपुर में एक मंदिर की वेदी पर भगवान नहीं है, मात शिला पट पर नमोकार लिखा है। तो मैंने जाकर के उस शिला पट को नमस्कार कर लिया, तो कुछ लोग खड़े देख रहे थे, बोले विशुद्ध सागर तो किसी पत्थर को नमस्कार करते। मैंने कहा मित्र, शब्द ब्रह्म को स्वीकारते हो, द्रव श्रुत को स्वीकारते हो, सिद्ध वर्ण स्माम नाया, हम किसी बाधित्र यंत्र से अक्षरों की उत्पत्ति नहीं मानते, हम किसी बाधित यंत्र से अक्षरों की उत्पत्ति नहीं मानते, मयूर के नृत्य से अक्षरों की उत्पत्ति नहीं मानते। तो मित्र सिद्ध वर्ण समामनाया, वर्णों की आमना अनादि सिद्ध है। तो जब पाषाण पर लिखे वो कागज पर लिखे, पाषाण पर लिखे कागज पर लिखे महामंत्र को विशुद्ध साकर नमस्कार कर सकते हैं, तो अभव्य मिथ्या दृष्टि जीव के अंदर भी आगम का यदि ज्ञान है वो भी सम्माननीय है। और इस बात को वीर सागर नहीं, वीर सेन स्वामी लिखते हैं। श्रेयांश बड़ो जी, इस बात को वीर सागर जी नहीं, वीर सेन स्वामी श्री धमला जी की प्रथम पुस्तक में लिख रहे हैं। अभव्य जीव का ज्ञान भी मंगलभूत है, बराबर मंगल है, ज्ञान मंगल है। जब पाषाण पर लिखे मंत्र को मैंने नमस्कार किया तो मुझे तो सम्यक वर्धनी क्रिया को मैंने नमस्कार किया। अब यहां पर ग्रहण करना है कि शब्द पुद्गल की पर्याय को नमस्कार किया, शब्द पुद्गल पर्याय को नमस्कार किया कि मंत्र को नमस्कार किया। प्रत्येक सिद्धि में अभिप्राय को देखना पड़ेगा। और जब दर्शनों की व्याख्या करते हैं तो फिर सिद्ध सेन गणी कहते हैं, और लगिस्त्री करता कहते हैं, क्लंग स्वामी कहते हैं, आपको द्वैत चंद्र ज्ञानवत ज्ञान होना चाहिए। द्वैत चंद्र ज्ञानवत का अर्थ समझिए, द्वैत चंद्र ज्ञान का तात्पर्य समझिए, और आप सब विद्वान लोग समझ चुके होंगे द्वैत चंद्र ज्ञान। और द्वैत चंद्र ज्ञान को जब न्याय में प्रवेश दिला दिया तो आयुर्वेद शास्त्र का विषय था। द्वैचंद्र ज्ञान किसी व्यक्ति के नेत्रों में रोग हो गया। अब दो ही व्यक्ति को दो चंद्रमा दिखते हैं, या तो रोगी है या जाने वाला है। जिसकी आयु अत्यंत अल्प बची है उसको एक साथ दो पुरुष दिखाई देंगे, दो चंद्रमा दिखाई देंगे। अब समझ जाइए, माथे का चंदन सूखे ना, और दो चंद्रमा दिखने लग जाएं, मित्र अच्छा मौका है, शांति से पांचों पाप छोड़ करके बैठ जा, तुम्हारी संलेखना का समय आ गया है। रिष्ट शास्त्र कहता है कल्याण कारकम। तो दुर्गा चार भी लिखते हैं रिष्ट संग्रह में, और रिष्ट समुच्चय ग्रंथ में दुर्गा चार स्वामी ने लिखा है। कभी कभी देख लेता, हे मित्र, द्वैचंद्र ज्ञान, तो द्वैचंद्र ज्ञान कहता है कि एक पुरुष आंगन में खड़ा हुआ है, वो आंगन में खड़ा होकर के, और उधर श्रेयांश बड़ौत अपने कक्ष के अंदर इतने ज्ञान ध्यान में तल्लीन थे, स्वाध्याय कर रहे थे, परंतु कमरे में इनके प्रकाश के लिए
एक दीपक जल रहा था। जब दीपक जल रहा था तो वो प्रकाश इनको बाहर के अंधेरे का कोई भान नहीं हुआ, तो अपने दीपक में अध्ययन कर रहे थे। बाहर से वो पुरुष खड़ा कहता है, ओह आज तो दो चंद्रमा निकले हैं। जब दो चंद्रमा निकले ऐसा उसने कहा तो अब यहां रमेश बांजल जी पंडित जी को यह बात सत्य समझना चाहिए कि असत्य समझना चाहिए। वो पुरुष आंगन में खड़ा होकर बोल रहा है आज दो चंद्रमा का उदय हुआ है, तो ये सत्य के असत्य है? नरेंद्र प्रसाद जी क्या बोल रहे हैं? असत्य है, सत्य है। कभी दो चंद्रमा एक साथ होते हैं? जम्मू द्वीप में दो ही चंद्रमा है, पर जो आ जा तो कल नहीं आएगा, कल आए वो आज नहीं आएगा, लेकिन वो एक साथ दो देख रहा है, ये सत्य कैसा? इसलिए पंडित साहब कथंच देशते विष्टम कथंच जीव ततो भय वाचम च नयो गान न सर्वथा, न सर्वथा, सत्य सर्वथा नहीं है और सत्य असत्य सर्वथा नहीं है, इस सूत्र को लेके चलना है। अब दो चंद्रमा का ज्ञान हुआ और यदि श्रियांश बोलो तो ज्ञानी जीव है, तो ये क्या करेंगे? ओह दो चंद्रमा उसी को दिख सकते हैं जो एक चंद्रमा दिख सकता है। यदि चंद्रमा नाम की वस्तु नहीं होगी तो दो चंद्र कैसे दिख सकते हैं? कहीं ना कहीं चंद्र नाम की वस्तु होना चाहिए, तभी तिमिर रोगी को, नेत्र रोगी को दो चंद्रमा दिखते हैं, अथवा जिसकी आयु पूर्ण होने वाली है उसको दो चंद्रमा दिख रहे हैं, दो पुरुष की छाया दिख रही है, इसका मतलब वो एक चंद्रमा को उदय हो चुका है। पंडित जी ने तुरंत ही अपने सब सामान पैक करके बोले, भैया चंद्रमा को उदय हो गया। इन्होंने दो चंद्र ज्ञान से रात्रि का ज्ञान कर लिया। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, क्योंकि नरेंद्र प्रकाश जी ने चारों विद्वान, तीनों विद्वानों के आलेख पर एक अंतिम शब्द बोल के धीरे से बैठ गए, हमें अनुमान प्रमाण ही दिखता है, अनुमान प्रमाण ही दिखता है। मित्र जितना श्रद्धान आपका कैवल्य ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण पर है, उतना ही श्रद्धान परोक्ष प्रमाण अनुमान पर होना चाहिए, क्योंकि वर्तमान में आपके कैवल्य का बोध कराने वाला भी अनुमान प्रमाण है, वो अनुमान अनुमानाभास नहीं होना चाहिए। स्वार्थानुमान पार्थानुमान, स्वार्थानुमान परार्थानुमान। और अनुमान ने क्या किया? अनुमान जो है पंडित जी, अष्टांग निमित्त अनुमान, आयुर्वेद शास्त्र अनुमान, खगोल शास्त्र अनुमान, कितना सारा निर्णय जो आप श्रुत ज्ञान से, अब विषय अंग ले जा रहा हूं, थोड़ा कठिन होगा, आप लोग टेंशन नहीं लेना, आपको चार महीना तो सरल सुनाया है ना। मित्र अनुमान जो है, क्योंकि हमारे लिए पृथक कांत की भी बात करना है, सर्वज्ञ सिद्धि की भी बात करना है, और साथ में अज्ञान से बंध, ज्ञान से मोक्ष, ये तीन चर्चाएं आज हुई हैं। बराबर। अब पंडित साहब अनुमान प्रमाण श्रुत ज्ञान में अनुमान, अनुमान विषय किसका? मति ज्ञान का। परंतु बुद्धि का अनुमान मति ज्ञान में ले जाना, वो आगम का अनुमान श्रुत ज्ञान में ले जाना। श्रुत ज्ञान से आप परिभाषा करते अनुमान की, और उस श्रुत ज्ञान से अनुमान की परिभाषा करते हो, वो द्रव्य श्रुत है। श्रुत तो श्रुत जो है परोक्ष प्रमाण की दृष्टि से, श्रुत ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। श्रुत ज्ञान
परोक्ष प्रमाण है। अब परोक्ष प्रमाण में, परोक्ष प्रमाण में आपको दो भेद करना पड़ेंगे, विस्तम प्रत्यक्षम, विस्तम प्रत्यक्षम। अब ज्ञानियों, स्मृति, प्रतिविज्ञान, तर्क, अनुमान, आगम, ये परोक्ष प्रमाण, वो आद्य परोक्षम। आद्य परोक्षम सूत्र को थोड़ा मध्यस्थ होके देखना भी, दो मिनट के लिए। आद्य परोक्षम सूत्र को सभी प्रतिबुद्धि बुद्धिजीवी लोग हैं, आप जो है यहां सुन रहे हो, न्याय की व्याख्या सुन रहे हो, और न्याय जो होता है नए प्रमाणभूत होता है। और संसार में जितनी मेहनत सर्वज्ञ सिद्धि के लिए आपको करना पड़ेगी, उससे कोटि गुनी मेहनत प्रमाण की सिद्धि के लिए करना पड़ेगी। और जब तक प्रमाण की सिद्धि नहीं कर पाएंगे तो सर्वज्ञ सिद्धि कैसे करेंगे, और सर्वज्ञ सिद्धि नहीं कर पाओगे तो प्रमाण की सिद्धि कैसे करेंगे। और सर्वज्ञ सिद्धि, प्रमाण की सिद्धि, इन दोनों की सिद्धि का उद्देश्य जो है वो आत्मा की सिद्धि, जीव सिद्धि। क्योंकि ऐसा सोच के मत बैठ जाना हमने सर्वज्ञ सिद्धि कर लिए अथवा प्रमाण सिद्धि कर लिए। परंतु श्रीयांश बड़ोद जी, भैया भैया आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगी जीव की सिद्धि के लिए। अब तो मैं वीर सागर जी बहुत आनंद के साथ आज आप विद्वानों के बीच में कह सकता हूं, यदि सनत विनोद जी रजवास के दो सगे भाई हैं, ये दोनों जीव, यदि मैंने कहा रमेश बांजल भो ज्ञानी, सुनना बहुत, अंदर जाना, क्योंकि तीन बातों पर आपकी व्याख्या, पृथकत्व एकांत, सर्वज्ञ संस्थि और बंद मोक्ष। हमने कहा कि भो ज्ञानी रमेश बांजल जी, और इस शब्द को सुनते ही सनत खड़े हो गए, विनोद बोले महाराज जी, कभी कभी पंडित जी अंदर में ऐसा लगता है आप तो अपने दिल्ली में मुस्कुराते रहते हो देवागम पढ़ करके। मैं देश की गली गली में मुस्कुराता हूँ देवागम पढ़ करके। और मैंने श्रीयांश बड़ोस से एक दिन कहा था कि पंडित जी, कोई पुरुष निर्गंत साधक साधु साध्वियाँ वे मुझे अपने पक्ष का ना भी माने, तब भी मैं ये बात बिना नमोस्तु किए आखिर के थोड़ा न्याय समझ लें तो उनकी निज आत्मा के साथ अन्याय बंद हो जाएगा। जिन जीवों को न्याय शास्त्र का ज्ञान नहीं है, वे विश्वास मानिए सम्यक दृष्टि नहीं हो पाएंगे, सम्यक दृष्टि नहीं हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। बोले क्यों, जब हमने कहा भोग यानी, इस शब्द को सुनते ही ये उछल पड़े। और पंडित जी भीलवाड़ा में एक श्रावक मेरे पास आया, मैंने उससे कहा भोग यानी, वो इतना क्रोधित, इतना कुपित हुआ, मुझे ज्ञानी मत बोलिए, मुझे अज्ञानी बोलिए। मैंने कहा भोग यानी, थोड़ा शांति शांति, इतना कुपित हुआ दहाड़ गया वो तो। मैंने कहा बेटा थोड़ा शांति। फिर मैंने उससे मालूम क्या बोला, भोग यानी शांत बैठ जा। दो मिनट बाद वो शांत बैठ गया। मैंने उससे पूछा, वो मेरे से बोला कमरे में चलो, मुझे शास्त्रार्थ करना आपसे। हमने कहा भैया, अरे ज्ञानी, आपने अष्ट सती अष्ट सहस्त्री लगी स्त्री प्रमाण प्रमाण प्रमेय प्रमाण परीक्षा प्रमाण निर्णय ओहो और सिद्धि विनिश्चय न्याय विनिश्चय न्यायदीपिका प्रमेय कर्ण मार्तंड न्याय कुमुचंद सिद्धि विनिश्चय और अष्ट सहसी अष्ट सती। भैया इन ग्रंथों का स्वाध्याय कर लिया आपने? वो कहता मुझे कुछ नहीं आता। मैंने कहा मित्र, जब तुझे कुछ नहीं आता है तो तेरे से मैं बात क्या करूं। फिर मैंने धीरे से पंडित उस बालक से कहा, बेटा तुम जाओ, जहां से तुम आए हो, जो इन ग्रंथों को जानता हो उसको मेरे पास लेके आओ, मैं उससे बात कर लूंगा।
अब जैसे इनसे मैंने कहा भू ज्ञानी रमेश भैया, तो विनोद जी कुपित हो गए, मुझे ज्ञानी बोलते हो, हम लोग तो अज्ञानी है। सुनिए, तुम पृथक एकांतवादी हो क्या? पृथक एकांतवादी हो क्या? आप सोच रहे कहां की बातें कर रहे हो, आप समय कहां ले जा रहा हूं। पृथक एकांतवादी हो क्या? जो गुड़गुड़ी से भिन्नत्व देखता है और गुड़गुड़ी में युद्ध सिद्ध लगाता है, समवाय लगाता है, जिसका समवाय जो है अयुत सिद्ध नहीं है, ऐसा वैशेषिक है। यदि कोई जैनी अपने आप को अज्ञानी सिद्ध करना चाह रहा है तो मैं कहूंगा, अरे ज्ञानी, तू अपने ज्ञान का अपने जीवत्व की असिद्धि में प्रयोग कर रहा है। जीव की सिद्धि के लिए ज्ञानी होना अनिवार्य है। चेतना लक्षण जीवा, जीव का लक्षण चेतना है, तत्र ज्ञान दर्शने हो। सर्वासिद्धि में भगवत पूज्यपाद स्वामी लिखते हैं, चेतना लक्षण जीवा। जीव का लक्षण खाता पीता चलता फिरता है, बच्चों के लक्षण मत बनाइए। चेतना लक्षण जीवा, जीव का लक्षण श्यात, जीव का लक्षण श्रीराज पंडित जी, जीव का लक्षण, जीव का लक्षण। नरेंद्र भैया मित्र फिर कहोगे अनुमान प्रमाण कहां गया, जीव का लक्षण। नरेंद्र पंडित जी, प्राणी स्यात जीव का लक्षण नहीं है। सभी समल कृष्ण, प्राणी जीव का लक्षण नहीं है, भूत जीव का लक्षण नहीं है, सत्व जीव का लक्षण नहीं है। ये सब जीव है पर्यावाची, संश्लेष संबंध सहित वाले, कर्म संबंध सहित वाले जीव हैं ये। प्राणी सत्व भूत, ये मित्र, ये जीव का लक्षण जो है एक कर्म सापेक्ष लक्षण है। जीव का लक्षण जो है तिक काले चदुपाणा, एक कर्म सापेक्ष लक्षण है। तिक काले चदुपाणा इंडी बल माओ आण पाणो या बवहारा सो जीवो, विभारने से जो जीव है, रिचे जो चेतना जस निश्चय ने से चेतन्य परभाषा जो होती आत्मभूत जो बनाएंगे तो आत्मभूत परभाषा जो निगोदिया में होगी वही सिद्धों में होगी। बराबर, जो निगोदिया में जीव की लक्षण होगा वही सिद्धों में होगा। ये ज्ञान गुण की पर्याय से भेद है, चेतनत्व का भेद नहीं है। कभी कभी लगता है कि सारा अंदर का बार इनको पिला दो सबको, पर क्या करो। जीव जो है चेतना लक्षण जीवा, तिक काले, अब बोलिए तिक काले चेतना जस, गाथाओं के अर्थ निकालिए इधर से उधर। तिक काले चदुपाणा नहीं मात्र, तिक काले चेतना जस, तीनों कालों में चैतन्य प्राण से जीता है उसका नाम जीव है। वो चेतना क्या है? तत्र ज्ञान दर्शनीय। जैनागम के रहस्य में तो जाइए मित्र, मनुष्य जीव का लक्षण नहीं है, निगोदिया जीव का लक्षण नहीं है, त्रियंत जीव का लक्षण नहीं है, नारकी जीव का लक्षण नहीं है, सिद्ध भगवान भी जीव का लक्षण नहीं है। सिद्ध भगवान भी जीव का लक्षण नहीं है, ये जीव का वर्धमान पर्याय है। सिद्ध अवस्था जीव की शुद्ध अवस्था है, ज्ञान गुण की निर्मलता है। इसलिए ज्ञानियों, यदि पृथकत्व एकांत में चले गए आप और यदि आपने अपने आप को ज्ञानी नहीं स्वीकारा, तो मुझे ऐसा पंडित, एक तो मुस्कुराहट छोटी
ईमानदारी बताएं, मेरे आंख में पंडित जी आंसू आ गया। आज बोल रहा हूं मैं आपसे, जब आप जैसे विद्वान मेरे पास गोष्ठी में आए, वो आपने कहीं सुन करके बोल दिया कि महाराज जी सबको ज्ञानी क्यों बोलते हो, तब मुझे इसलिए आंख में आंसू आया कि मैं केवली क्यों नहीं हुआ, इन लोगों के अंदर का अज्ञान मिटा देते। तुरंत मुझे मुस्कुराहट आ गई, अरे मैं ही क्यों नहीं केवली, ये सब बातें विशुद्धा झूठी कर रहे हैं आप, व्यर्थ की बातें मत सोचो। केवली भगवान भी होते तब भी अज्ञानियों के अज्ञान को दूर नहीं कर पाते, यदि कर देते होते सर्वज्ञ देव ऐसे जिनकी तुम सिद्धि कर रहे थे मित्र भी सर्वज्ञ देव भी यदि सबको ज्ञानी बना देते तो पंचम काल में आज रायपुर में गोष्ठी ना हो पाती, क्योंकि सभी ज्ञानी बन जाते, कोई बचता ही नहीं, तो फिर गोष्ठी कैसे हो पाती। इसलिए विश्वास रखिए पंडित जी, सिगरेट की डिब्बी पर बहुत कुछ लिखा रहता है, जी सिगरेट की डिब्बी पर ऐसा लोग बोल रहे थे, मैंने कभी छुई नहीं है विश्वास मानिए, पर लोग बोल रहे थे, बोले महाराज उसमें लिखा रहता कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और गुटकों पर बिच्छू सांप सब बने रहते हैं, लेकिन तब भी जानने वाले जानते हैं फिर भी खाना पीना छोड़ते नहीं है, ऐसे मित्र भगवान महावीर भी कितनी समझा देंगे। परंतु अकलंक स्वामी ने राजवार्त में लिखा, परा अभिप्रा नृत्व मशकत्वा, परा अभिप्राय नृत्वात् मशकत्वा, दूसरे के अभिप्राय को बदलना अत्यंत अशक्य है, अशक्य है। परा अभिप्राय नृत्वात् मशकत्वात्, दूसरे के अभिप्राय को बदलना अशक्य है, इसलिए मैं चिंता नहीं करता हूं, बिल्कुल विकल्प नहीं करता हूं, पर मुझे मालूम होना चाहिए मैं आगम से बोल रहा हूं, फिर कोई शेर क्या महाशेर 50 शेर के आदमी आ जाए तब भी विशुद्ध सार हिलने वाले नहीं है, जो है सो है। तो जीव का जो लक्षण है, कुंद कुंद देव ने श्री समय सार जी में लिखा, अश्री भगवान आत्मा के स्वरूप को बताने वाले ग्रंथ को जो जिनागम बाही मानते हैं उन पर भी मेरी दया है। कुंद कुंद देव के ग्रंथों को जो जिनागम के बाही कहने लगे आज लोग, वे भी दया के पात्र हैं। जब मारीची महावीर बन सकता है, ये भी कभी सूरज के भगवान बन जाएंगे। इसलिए यदि स्यादवाद लगा रहे हो तो स्यादवाद ग्रंथों के पृष्ठों में मत लगाइए मेरे मित्र, मसाले दानी का मसाला पेट नहीं भरेगा जब तक साग में नहीं डलेगा, मसाले दानी का मसाला स्वाद नहीं दे पाएगा जब तक कनाड़ा दाल में नहीं पड़ेगा, ऐसी आगमों के जो नए प्रमाण हैं वे काम में नहीं आएंगे जब तक व्यवहार में नहीं आएंगे। व्यवहार में लाने की आवश्यकता है, प्रतिक्षण आपको नए प्रमाण का जीवन जीना चाहिए। चाहे कोई मां भोजन बना रही है तो नए प्रमाण लगेगा, चाहे घर बना रहे तो नए प्रमाण लगेगा, साधु बन रहे तो नए प्रमाण लगेगा, बच्चे को जन्म दे रहे वहां पर भी नए प्रमाण लगेगा। वीर सागर जी बालक भी है क्या आपके, बालक हैं, बोल दो ना है। मित्र एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं होता, फिर आपका बच्चा कहां से हो गया। इसलिए कर्तत्व एकांत नहीं है, अकर्तत्व भी एकांत नहीं है, उसमें भी ज्यादा बात। सुजातीय उपचरित अशदभूत व्यवहार ने से वीरसेन का बच्चा है श्रीरांश भैया, सुजातीय उपचरित अशदभूत व्यवहार ने से वीरसेन का बच्चा है। ज्ञानी सुजातीय विजातीय उपचर अशदभूत व्यवहार ने से हम भारतीय हैं, थे और रहेंगे। विजाति उपचरित असद्भूत व्यवहार में से पिथ्वी विशुद्ध सागर की है, कह दो मिथ्या दृष्टि, कहने की कोशिश रखो तो ये पिथ्वी मेरी ही है, लेकिन मुझे मालूम है
सद्भूत भारने से पिच्छी मेरी नहीं है। सद्भूत, अरे पंडित लगीस्त्री के साथ साथ आप लोग एक ग्रंथ और कल लिख के लाए थे, वो भी मैंने सोच लिया है, उसका भी गोष्ठी कराइए आप। लघु नय चक्र और लघु नय चक्र देवसेन स्वामी द्रव्य स्वभाव प्रकाश नय चक्र मैल धवल का, जो मैल धवल का नय चक्र है उसमें समाविष्ट किया समय सार, समाविष्ट किया लगे सारे ग्रंथों को, लेकिन संसार में सबसे विशाल व्याख्या करने वाला कोई नय है, उसका नाम है नैगम नय। संसार का प्रचंड कोई न्याय नय व्याख्या करता नय है तो नैगम नय, सारे नय एक एक बात करते हैं, नैगम नय त्रिकालिक बात करता है। भूत नैगम नय, भावी नैगम नय, वर्तमान नैगम नय, और इस नय को समझना है तो इस लोक वार्तिक में नए विवरण समझना पड़ेगा। और ये मान के चलो ये तो रायपुर के मुमुक्षुओं का गया, ये सारे जितने लोग आएंगे औपांग के, कि ऐसे जटिल ग्रंथ तुम्हारे कण छिद्रों में जा रहे हैं, ऐसे मान के चलो कि अचानक मुख खुल गया और अमृत टपक गया हो। ये श्रुत ज्ञान, ये श्रुत ज्ञान सम्यक दर्शन के 10 भेद हैं, 10 भेदों में कठिन विषय भी सम्यक का कारण बनता है, कठिन विषय भी सम्यक का कारण बनता है। मालूम कैसे पंडित जी, पंडित जी मित्र कैसे बनता है? यहां पर बहुत सारे जीव, बहुत सारे जीव ऐसे ज्ञानी होंगे जो कल तक अपने आप को पंडित मानते थे, और जैसे ही इन्होंने समंत बद्ध स्वामी की आपकी मंच गोष्ठी सुनी, वे सब अपने आप को अज्ञानी मानने लगे। जब अज्ञानी मानने लग गए, सुनो बड़ोद भाई, अब मैं समझ रहा हूं, मैं उनकी बात मैंने सुन ली है, यही अज्ञान दूर हो रहा है। भैया बड़ोद समझ में आ रहा है कुछ? इतना सा उत्तर दे दो। भैया बड़ोद समझ में आ रहा है कुछ? नहीं आ रहा ना, बहुत अच्छी बात, बैठो जल्दी। आपको समझ में नहीं आता हो रहा होता तो कैसे बोल रहे कि समझ में नहीं आ रहा है? ये समंत वद्ध बोल रहे हैं, विशुद्ध सागर नहीं। समझ में नहीं आ रहा होता तो कैसे समझे समझ नहीं आ रहा है? इतना समझ में तो आ रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है, यही ज्ञान है, यही ज्ञान है कि इतना ही मुझे कठिन सांस इसलिए समझाना चाहिए कि समझने वालों को समझ में नहीं आ पाए तो ये समझे कि अब मुझे और समझना चाहिए कि जब श्रुत ज्ञान इतना कठिन है तो सर्वज्ञ का ज्ञान कितना महान होगा। सर्वज्ञ संस्थिति ज्ञानी, भैया अभी समझ में आता है, ठीक है ना, आप चिंता नहीं करो। हम पूज्यपाद यदि मेरे मस्तिष्क में यहां कुंद कुंद विराजते हैं तो यहां समंतवद्ध है, यहां पूज्यपाद है तो यहां अकलंक है, तो यहां जिनसेन भी है, रवशरण भी है। पूज्यपाद स्वामी ने श्री सर्वासिद्धि जैसे महान ग्रंथ में लिखा हुआ है, सरो सत्व अनुगार्तम ही सताम प्रयासा, ये पूज्यपाद स्वामी की लाइन है, सर्व सत्व अनुग्रहार्थम ही सताम प्रयासा, सज्जन पुरुषों का प्रयास होता है सबका उपकार हो जाए, इसलिए भैया बड़ोद अभी मैं सरल भी करने वाला हूं, टेंशन मत लेना, इसी मुख से सरल सुनोगे, पर थोड़ी देर के लिए तीन विद्वानों की समीक्षा कर लूं। तो ज्ञानी, जब ज्ञानी शब्द का प्रयोग किया तो जीव की सिद्धि कोटि कोटि उपाय कर लीजिए, जब तक ज्ञान की सिद्धि नहीं करोगे तो जीव की सिद्धि हो ही नहीं सकती। हमने जीव को ज्ञान शून्य तुमने जीव मान लिया तो फिर आप चारवाक मत में चले जाओगे, वो पृथ्वी जल अग्नि वायु
ये भूत चतुष्टय से अथवा पंचभूतों से जो जीव की उत्पत्ति मान रहे हैं वे चेतन शून्य जीव है, पर वो कोई जीव नाम की वस्तु नहीं है। चेतना लक्षणो जीव, आप जीव का लक्षण चेतन है, इसलिए आप विनोद हो कि सनत हो, विनोद भैया मुझे मालूम है, विनोद भैया इधर देखो, मित्र और स्वप्न भी मत कह देना कि निगोदिया ज्ञानी नहीं है। आप जो ज्ञानी अज्ञानी शब्द का प्रयोग करते हो उसका हेतु मैं बताता हूं। आपका अज्ञान अनेक प्रकार का है, जीवत्व की अपेक्षा से कोई अज्ञानी नहीं है, चेतनत्व की अपेक्षा से कोई अज्ञानी नहीं है, मिथ्यात्व की अपेक्षा से अज्ञानी हो सकता है, शास्त्र ज्ञान का न्यून है इसलिए अज्ञानी हो सकता है, क्षोभ संबंध है इसलिए अज्ञानी हो सकता है, और केवल ज्ञान नहीं है इसलिए बारहवें गुणस्थान तक अज्ञान है, बराबर। और केवल ज्ञान की दृष्टि से तेरहवें गुणस्थान में ही ज्ञान प्रारंभ होगा। ये अपेक्षाएं हैं, लेकिन ये सारी अपेक्षाएं चाहे डाल देखो, पत्र देखो, पुष्प देखो, फल देखो, बीज के बिना नहीं हो सकते। ऐसी ज्ञान नाम की वस्तु नहीं होगी तो केवल नाम का कोई फल नहीं होगा। इसलिए जो जीव पंडित, मेरी आंखों में आंसू आ गया, विश्वास मानिए इस बात पर, ओहो, चिर दीक्षित लोग भी जब ऐसा बोले हम ज्ञानी नहीं है, जो कोई त्रियंचों के नाम, मैं तो नहीं बोलूंगा, बोले त्रियंचों के नाम लो, है मित्र त्रियंच भी ज्ञानी है। और कौन सा त्रियंच? कर्म चेतना भोगने वाला त्रियंच नहीं, कर्म फल चेतना भोगने वाले एक इंद्रिय त्रियंच भी ज्ञानी है। श्री गोमठ सार जीव कांड जी में भगवत आचार्यों के नाम आशीष, बेटा तुम्हारे मोड़ी मोड़ा नहीं हमारे समंत्र स्वामी। ये परंपरा छोड़ दो लोगों की कि समंत्र ने कहा कि कुंद ने कहा, अरे कौन से मेरे पैसे लगते हैं, प्रिय बाक प्रदाने ने सर्वे तुसंद जंतुहा तस्मात ही वक्तव्यम वाक्यम क्यों दर्दरता, प्रिय वचन बोलने से सारे प्राणी संतुष्ट हो सकते हैं। माना कि मैं समंतभद्र का रागी मान लो मुझे, तो हमारे समंतभद्र स्वामी से भगवान समंतभद्र स्वामी कहोगे तो मैं खुश हो जाऊंगा। बेसमंत्रभद्र स्वामी मित्र जो कहते हैं भवंत भद्रोपि समंत्र भद्रा, अभद्र पुरुष भी समंत्र भद्र हो जाता है। बे भगवान समंत्रभद्र स्वामी, जब संसार की नारियां पैसे कमाने वाले एक सामान्य आदमी को पति बोलती है, स्वामी बोलती है, सोच भाई क्या बोलती है, स्वामी बोलती है, बड़ौद आप तो समझ में आ रहा ना, आपकी पत्नी आपको स्वामी बोलती है, कहां से तुम स्वामी हो, नौकर तो धरे हो, कह रहे स्वामी है हम, अब अच्छी समझ में आ रहा है, कमा कमा के सौंप रहे हो, शेटानी घर में रहती है, बोले मैं स्वामी हूं, तुम इसी में संतोष हो, कोई स्वामी कह तो रहा है। लेकिन जैन दर्शन में स्वामी किसे कहा गया है, जो प्राकृतिक गाथा सूत्रों का संस्कृत में विशद टीका करता है उसके नाम क्या है, स्वामी लगता है। स्वामी जो है ना साहित्य में जो मूल ग्रंथों का टीकाकरण करता है उसको स्वामी कहा गया है, हमने पढ़ाया आगम में। लेकिन आप तो स्वामी हो, ओ स्वामी, ओ स्वामी ज्ञानी, प्रत्येक जीव ज्ञानी है। अब आप लोग मानोगे कि नहीं मानोगे, श्रीयांश बड़ो आपके घर में बिल्ली घूम रही थी वो ज्ञानी है कि नहीं? जब श्रीयांश बड़ोद के घर की बिल्ली ज्ञानी हो सकती है तो गया के अजमेरा के घर का चूहा भी ज्ञानी हो सकता है। बिल्ली ज्ञानी, उसका ज्ञान काम कर रहा है, चूहे को खोद रही है, चूहा ज्ञानी बिल में घुस रहा है, बिना ज्ञान के हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। इसलिए प्रत्येक जीव ज्ञानी,
पृथकत्व एकांत क्या कर रहा है? देखो पंडित जी, एक धर्मामृत नाम का ग्रंथ है और नयनंदी का लिखा हुआ ग्रंथ है आचार्य नयनंदी भट्टारक। और नियोग ऐसा बना बिहार करते करते दक्षिण भारत में पंडी में नयनंदी के घर पहुंच गया। वो घर पहुंचा, अच्छा मकान था, तो श्रावक लेके गए, गृह चैत्यालय था। बोले महाराज जी, याद है सुब्रत सागर? उस गांव की परंपरा है किसी भी संप्रदाय का जलूस निकले उनके घर से उठता है। उस जमाने के राजा थे, वे राज परिवार में जन्मे थे नयनंदी। जब मैं वहां पहुंचा तो बोले महाराज जी, जिन्होंने धर्मामृत लिखा है ना, ये उन्हीं का घर है। हम कि उन्होंने लिखा कि संसार में जितने गुण हैं, चाहे रमेश बांजले के घर में हीरा रखा हो, चाहे विनोद के घर में रखा हो, आप कहते भरे रहो मेरा हीरा है, हीरा तो पन्ना की खदानों से आया है और मोती सागर से आया है, पर आप अपना बोलते हो। ऐसे विश्व में जितने श्रेष्ठ गुण हैं वे सर्वज्ञ सागर से आए हैं, कि अपने अपने घर में रख लिए हैं, बाकी मूल केंद्र तो सर्वज्ञ देव है। अब पंडित जी, जितने एकांत हैं उन सारे एकांतों में मौन ले लीजिए और मौन लेकर दो चंद्र ज्ञान लगाइए। और दो चंद्र ज्ञान से जैसे पंडित ने लगा लिया कि भाई सूर्य चंद्रमा उदय हो चुका है, भले उसको दो दिख रहे हैं पर एक है तभी तो दिख रहे हैं। इसी प्रकार से जो पृथकत्व तो एकांत जो चला है, इसका जिनागम क्या कह रहा है? और जिनागम के पास हम जाएंगे तो मुझे मालूम चल जाएगा कि वो किस बात का अभिप्राय ने कितना विपरीत ले लिया। ज्ञानात् भिन्नो चा भिन्नो भिन्ना भिन्न कथंचन ज्ञानम पूर्वा परिभूतम सोष्मेति प्रकीर्तहा। मंच बोले भाई, देखो आपकी रोटियां समाज की व्यर्थ नहीं जाने दूंगा, ठीक है? आइए पंडित जी, जब आप लोग आते तो हम आपको सुनते हैं, जब आप नहीं आते हैं तो इन्हें सुनाते हैं। तो ज्ञानात् भिन्नो चा भिन्नो, आपने ज्ञान को क्या आत्मा से भिन्न नहीं माना? हमने गुण को गुरु से भिन्न माना है, परंतु इतना अंदर चले गए, इतना अंदर चले गए प्रत्येक एकांतवादी, वे अत्यंत भिन्न मान लिए। संज्ञा लक्षण प्रयोजन की दृष्टि से भिन्नत्व था, अधिकरण की दृष्टि से भिन्नत्व नहीं है, इसलिए हमने भिन्ना भिन्न कथंचना कथंचित, बिना कथंचित के कोई काम करना मत। कथंचन और कथंचित लगा दिया तो अब पृथकत्व एकांत पक्षे पी पृथकंत के पक्ष में कितने दोष आ गए। कारण कार नहीं बनेगा, भेदा भेद नहीं बनेगा, साधन साध्य नहीं बनेगा, गुड़गुड़ी संबंध नहीं बनेगा। और मेरे मित्र, मैं इसलिए कह रहा था श्रेयांश का नाम लेकर, जान के मैं नाम लेता हूं विद्वानों का, कि ये देश का अध्यक्ष है। अध्यक्ष हे मित्र अध्यक्ष जी, जैसे आप प्रार्थना करते हो चरणानियुक्त के नाम पर, ज्ञान के निर्णय पर भी प्रार्थना किया करो। अब प्रार्थना करना महाराज सर्वथा अज्ञानी बोलोगे, आप बेसिसिक मिथ्या दृष्टि हो जाओगे। महाराज सर्वथा अज्ञानी बोलोगे तो आप नैयायिक हो जाओगे। नैयायिक बेसिसिक का सिद्धांत ये ना कि जैनियों का,
जेनी कहता है कथंचित भिन्न, कथंचित भिन्न, भिन्ना भिन्न कथंचना, बराबर भिन्ना भिन्न कहिए, पृथकत अपृथकत कहिए, एक ही बात है। अब प्रश्न है तो भिन्न अभिन्नत्व तो दो द्रव्यों के कारण है कि एक द्रव्य में भिन्न भिन्न है, ये शब्द जोड़ना चाहिए। दो द्रव्यों के कारण भिन्न भिन्न है कि एक द्रव्य में ही भिन्न भिन्न है। देखो इधर देखो, सभी सभा देखो, ये पेंसिल मेरे हाथ में है बराबर, और मेरे ये हाथ है, तो ये हाथ और पेंसिल अलग अलग है ना, तो ऐसे ज्ञान दर्शन भिन्न है आत्मा से कि घी में चिकनाई भिन्न है, ऐसे है घृत में चिकनाई, घृत में चिकनाई जैसे भिन्न होने पर भी अभिन्न है, भिन्न है कि नहीं, चिकनाई चिकनाई स्निग्धता, यदि भिन्न नहीं मानोगे तो लक्षण क्या बनाएंगे, भिन्न किए बिना लक्षण नहीं बन सकता, वो अभिन्न किए बिना लक्षण नहीं बन सकता। मैं इसे अवभाग्य मानता हूं, विश्वास मानिए पंडित जी, एक दिन आपने मेरे से कहा कि गुरु जी ये तो आपका पुण्य नियोग चल रहा है कि सब आपके साथ है, पंडित जी ये भी पुण्य है, देव कुमार जी भिखारी द्वारे पे आ जा तो पाप मत मानना, भिखारी द्वारे पे आ जा पाप मत मानना योगेश, मित्र पुण्य मानना, मेरे घर में इतना है कि कोई देने के लेने के लिए तो आया, पर भाव ऐसे मेरे देने के भाव तो आए, पंडित जी विश्वास मानिए श्रेयान जी आपका पुण्य नहीं कि तुम्हारी सासू की बेटी तुम्हारे साथ चल रही है, ये पुण्य नहीं है, ये तो पशु पक्षियों के साथ भी है, वे जोड़े से चलते हैं, मित्रों पुण्य ये मानिए कि मां सरस्वती तेरे पर खुश है और समाज तुम्हें तुम्हारा ज्ञान ले रही है, कभी भी सिर दर्द ना करे कोई आचार्य मुनि उपाध्य विद्वान का कि मैं कितना समझाऊं कितना बताऊं, अरे बता लो लोग रो रहे हैं जान के भी कोई दे नहीं पा रहे हैं। ओहो, खड़ा ट्रक सड़ जाता है, खड़ा ट्रक सड़ जाता है, ऐसे ज्ञान प्राप्त कर लिया कोई लेने वाला नहीं है। मेरा अवसोच मेरा अवधारणा मेरी ये है कि अध्ययन करने से जितना ज्ञान होता है वो कम होता है, अध्ययन कराने से ज्ञान ज्यादा हो जाता है। ये अवभाग्य मानो आप लोग प्रोफेसर हो, दुर्भाग्यनी मन अवभाग्यवान प्रोफेसर हो, प्रतिदिन आपको अध्ययन कराने का मौका मिलता है, और मित्र ऐसा क्यों नहीं मानते हो, आज आप सब जितनी विद्वान हैं समाज के तिलक अनेक बार तुमने प्राप्त किए हैं, आज अपने हाथ से अपने मुख पर अपने कंठ पर अपनी बुद्धि पर सब जगह तिलक लगाना, बोले क्यों, इसलिए लगाना, इसलिए लगाना जब एक कलश झारी में भरा पानी तीर्थंकर के बिंब पर मस्तिष्क पर चला जाए वो झारी सम्मान का पात्र बन जाती है, एक झारी में पानी सिर पर चला जाए प्रभु के तो आप उस झारी से पानी नहीं पीते हो, ऐसे लेके जाओगे क्या उस झारी को, सम्मान देते हो, बोले भैया अभिषेक का कलश है, वो पानी धरा था जब जिनवाणी का नीर जिस मुख से निकलता हो विद्वानों अपने मुख पे तिलक कर देना, तुम्हारे मुख में जिनवाणी का नीर है। जो लोग कूट पिंजर विष जहर बना रहे हैं, गुम्मट सार जीवकांड में लिखा कुमति ज्ञानी, आपके मस्तिष्क में आ रहा है कि समंत वृद्ध स्वामी ने क्या कहा, भगवान वर्धमान स्वामी ने क्या कहा है, वो आपके मन में भाव आ रहा है कि मैंने इसलिए तो पंकज आशीष का नाम लिया था कि आशीष बोलना सीख गए इसलिए बोलने आए हो कि पिए धम्मो दृढ़ धम्मो, दो सूत्र नोट कर लो बेटा, पिए धम्मो
दृढ़ धम्मो, पिय धम्मो, दृढ़ धम्मो, दो सूत्र याद कर लो पूरी समाज, बोलो पिय धम्मो, पिय धम्मो, दृढ़ धम्मो, वही जैन जैन है जो प्रिय धर्मी है वो दृढ़ धर्मी है। प्राण चले जाएंगे दिगंबरत नहीं छोड़ूंगा, जैनत नहीं छोड़ूंगा, सांसें निकल जाएंगी पर सम्यक की श्वास नहीं निकालने दूंगा, यह है दृढ़ धर्मी। बड़ौद बालों से कह रहा हूं मित्र, ये चार कितने हजार घर हैं, 4000 घर हैं जैनियों के, 5000। अध्यक्ष जी कहां गए? अध्यक्ष जी मित्र अपना पुण्य समझना, 5000 जैनियों के समाज के अध्यक्ष हो मित्र, इस समाज को बिगड़ने मत देना, इसको संभाल के रखना। एक नगर में एक जैन समाज होती है। एक जमाना था कि राजा महाराजे अपने गांव में एक जैनियों को बसाते थे और ये मानते थे कि जिस गांव में जैन समाज नहीं है उस गांव की शोभा नहीं है। इसलिए भैया आप 5000 के जैनियों को तुमने संभाल लिया तो विश्वास मानिए, और इन सारे बच्चों से कहना कि बेटा जैसे हमने तुम्हें जन्म दिया है, या तो महाराज साथ जाओ महाराज बन जाओ, और नहीं तो समाज को जन्म बढ़ाओ, जिससे यदि एक वर्ष की एक बच्चे ने जन्म लिया 100 वर्ष की उम्र उसकी है तो 100 वर्ष तक जैन धर्म सुरक्षित हो जाएगा। ये विद्वानों को क्यों बुलाया है? रायपुर वाले इन्हें सोचे कि समाज का खर्च हो रहा है, समाज का खर्च नहीं हो रहा है ये। महावीर बाकलीवाल जी समाज का खर्च नहीं हो रहा है ये विद्वान आज तुम्हारे सम्मान को प्राप्त होते रहेंगे, इनके अंदर उत्साह बढ़ता रहेगा तो भविष्य में आप सुन रहे कैसी कैसी बातें हो रही है, यहां पर कितना कठिन विषय चल रहा है। ये विषय यदि अलमारियों में ग्रंथ रहे तो दीमक खा जाएगी, यदि इनके मुखमंडल पर नहीं आया तो। अजित से भी कहना मित्र अब स्वातंत्र मंच बहुत सीख गया है, अब न्याय शास्त्र पढ़ बैठ जा। आइए तो गुरु पृथक अधिकांत, जब हमने कथन किया गुड़गुड़ी में भिन्नत्व है, जैनाचार्य समझा रहे थे भिन्नत्व नहीं स्वीकारेंगे तो लक्षण लक्ष्य नहीं बनेगा, और लक्षण लक्ष्य नहीं बनेगा तो क्रियाकारत्व नहीं बनेगा, और क्रियाकारत्व नहीं बनेगा तो द्रव्यत्व नहीं बनेगा, और द्रव्यत्व नहीं बनेगा तो अवस्तु, प्रक्रियां विपर्यात अवस्तु स्यात्। प्रक्रिया के बदलने से पंडित अवस्तु हो जाता है, प्रक्रिया के बदलने से अवस्तु हो जाता है। अवस्तु नाम के कोई वस्तु नहीं है, प्रक्रिया के बदलने से अवस्तु हो जाता है। उसे देखिए पर्याय दृष्टि है, पर्याय दृष्टि है। भैया समझ रहे ना आप लोग मैं क्या बोल रहा हूं? श्रीयांत पंडित जी थोड़ा गहरा है अंदर अंदर। प्रक्रिया के बदलने से अवस्तु हो जाता है, बोले कैसे? जैसे कि माना कि आपकी पत्नी ने विचार किया मुझे आज पराठा बनाना है, और लोई लोई को रखा, लोई को रखा और उन्होंने बेल दिया, तो रोटी का आकार और पराठे का आकार प्रारंभ तो एक सही होगा ना। लोई का रोटी का आकार और पराठे का आकार बनेगा तो एक सही ना, कच्चा